बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एक खनन माफिया ने उस समय गाय के एक बछड़े को ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंदकर मार डाला जब वह रात के समय एक चौराहे पर कुछ गायों के साथ बैठा था। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन की मिट्टी ले जा रहे एक युवक ने बछड़े को रास्ते से हटने का मौका तक नहीं दिया और उसे कुचल कर मार डाला। जबकि पास में खड़ी गाय अपने बछड़े को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास करती रही, लेकिन खनन माफिया का दिल नहीं पसीसा और उसने बछड़े पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस दौरान मौके पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गोवंश हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नकटिया में पीएससी वाहिनी के पास स्थित डिफेंस कॉलोनी निवासी विपिन मिश्रा ने बताया कि जब वह मंगलवार सुबह करीब 5 बजे उठा तो उसके घर के पास लाल कोठी चौराहे पर गाय का एक बछड़ा मृत अवस्था में पड़ा था, जहां कई गायों से घेर कर खड़ी थीं। जिसके बाद विपिन ने वहां लगे सीसीटीवी की फुटेज को चेक किया तो उसमें रात करीब 2 बजे की घटना का खुलासा हुआ, जिसमें बारीकी से देखने पर खनन माफिया की पहचान बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ला जागीर गांव निवासी रेहान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि जब आरोपी नेशनल हाईवे से लाल कोटे चौराहे पर पहुंचा तो वहां गाय अपने एक बछड़े के साथ बीच चौराहे पर बैठी हुई थी। इस दौरान ट्रैक्टर धीमा करने के बाद उसने गाय को पहले धीरे से टक्कर मारी, जिससे वह उठकर अलग हट गई और बछड़े को हटाने का प्रयास करती रही, लेकिन गाय का बच्चा नहीं हटा। इस बीच रेहान ने जानबूझकर बछड़े के ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी, जिससे गोवंश की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले पर विपिन मिश्रा ने रेहान पर जानबूझकर गोवंश की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरोपी खनन के अलावा और भी कई काम करता है। फिलहाल विपिन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।